नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज का वीडियो है मनी प्लांट के ऊपर और एक एक्सपेरिमेंट करूँगी इसमें आज। और आप देख सकते हैं मनी प्लांट की हालत बहुत ख़राब है। अक्सर विंटर में मेरे यहाँ मनी प्लांट की हालत ऐसे ही हो जाती है, थोड़ा मैं केयर भी नहीं करती विंटर में अच्छे से इसकी। तो अभी मैंने सोचा है कि इसकी कंडीशन को थोड़ा सुधारा जाए। तो आज एक सीक्रेट टिप है जो मैंने भी कहीं से सीखी है। बहुत सारी वीडियोस में ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रिक को आजमाने से आपका मनी प्लांट अच्छे से रिवाइव हो जाएगा, अच्छे से फिर से ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो उसी पर्पज़ के लिए मैंने बनाई है कि देखते हैं मेरा मनी प्लांट इससे ठीक होता है या नहीं होता है। अक्सर आपने विंटर्स में देखा होगा कि आपके मनी प्लांट की पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं। इसके अलावा कभी कभी तो मनी प्लांट पूरा ही ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे मनी प्लांट की हालत, तो काफ़ी लंबी लंबी शाखाएं तो आई हैं लेकिन एकदम खाली सा है, बहुत बुशी नहीं है मेरा मनी प्लांट जैसा होना चाहिए था। एक बार पहले जो मेरा मनी प्लांट था मेरे पास वो काफ़ी बुशी था लेकिन वो भी पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। तो मनी प्लांट के साथ मेरा ये थोड़े कम अच्छे रिश्ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार कुछ एक्सपेरिमेंट करूँ, कुछ नया करूँ, देखते हैं वो जो मैं एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ सक्सेसफुल रहता है या नहीं। मेरे पास एक और प्लांट है मनी प्लांट का जिससे मैंने आज कुछ कटिंग्स ली हैं, तो इस गमले में मैं वो कटिंग्स भी दो चार लगा दूंगी ताकि जो खाली स्पेस है वो भी कटिंग से भर जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी थोड़ा सा जम गई है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि मनी प्लांट का जो आपका गमला है उसकी मिट्टी को थोड़ा हल्का कर दें, थोड़ा सा उसकी गुड़ाई कर दें जिससे जड़ें हैं उनको फैलने का मौका मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि बहुत स्टिक हो जाती है मिट्टी, तो एक तो पानी सही से नहीं जा पाता गमले के अंदर और फिर जड़ें भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। तो अच्छे से आप मिट्टी को उसकी गुड़ाई कर लें। इसमें मैंने वैसे भी सैंडी सोइल का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मिट्टी से इसको प्रॉब्लम होगी। तो ये है वो सीक्रेट चीज़ जिसकी मैं बात कर रही थी। सभी के घरों में ये मौजूद होती है, ये चाय पत्ती है और ऐसा कहा जाता है कि मनी प्लांट के लिए चाय पत्ती बहुत कारगर साबित होती है, बहुत यूज़फुल होती है। चाय पत्ती में एक अच्छी मात्रा में NPK पाया जाता है, तो चाय पत्ती हर प्रकार के पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मैंने सूखी चाय पत्ती का उपयोग किया है। आपके घर में जो चाय बनती है उसके बाद जो चाय पत्ती बच जाती है आप उसको सुखाकर गमलों में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ वीडियो के लिए यूज़ किया है, वरना मैं जो यूज़ करी हुई चाय पत्ती होती है सिर्फ उसी का यूज़ करती हूँ। चाय पत्ती पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है और चाय पत्ती की खाद में टैनिन नाम का एक एसिड पाया जाता है जो पौधों को बीमारियों से दूर रखता है, इसलिए चाय पत्ती का ये ये बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा चाय पत्ती सभी के घर में आसानी से पाई जाती है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। आप डेली यूज़ की जो चाय पत्ती होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। एक और बात, जब मिट्टी में हम चाय पत्ती का यूज़ करते हैं तो मिट्टी की जो जल को सोखने की क्षमता होती है वो बढ़ती है। आपकी मिट्टी बहुत अच्छे से जल को सोख लेती है, इसलिए चाय पत्ती का यूज़ इसलिए भी किया जाता है। और इस तरह से चाय पत्ती पूरी तरह से एक ऑर्गेनिक मैन्योर है, ऑर्गेनिक उत्पाद है, तो ये आपके पौधों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। बहुत ही सेफ़ प्रोडक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये चाय पत्ती के अलावा एक और खाद इसमें ऐड करी है, गार्डन मिक्सचर मैन्योर मेरे पास था तो वो भी मैंने इसमें थोड़ा बहुत ऐड किया है। तो ये एक्सपेरिमेंट है, इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊँगी अगर मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं। और इसी तरह से आप भी इसको ज़रूर अपनाएं अगर इसका रिज़ल्ट ठीक रहा। इसका रिज़ल्ट मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कम से कम आधा एक महीने बाद। एक महीना कम से कम मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा, तो एक महीने बाद ज़रूर इसका रिज़ल्ट मैं आपके सामने रखूंगी कि क्या मुझे इससे फ़ायदे हुए या फिर इससे कोई नुकसान हुआ। नुकसान शायद ना हो लेकिन फ़ायदा हो सकता है, तो इसलिए ये एक छोटा सा वीडियो भी बनाया गया है ताकि थोड़ा बहुत हम घर की चीज़ों से अपने प्लांट्स को बचा सकें, उनको सेव कर सकें। खाद वाद डालने के बाद मैंने इसको फिर से रीअरेंज कर दिया है। इसको ऊपर जो मैंने एक मॉस स्टिक तो नहीं है लेकिन एक स्टिक बनाई है इसके लिए, तो उस पर मैंने इसको चढ़ा दिया है और उम्मीद है कि अब ये अच्छे से ग्रो करेगा, कोई समस्या नहीं होगी। और मुझे मनी प्लांट बहुत पसंद है, मुझे बुशी मनी प्लांट चाहिए, तो अगर इसके रिज़ल्ट अच्छे होते हैं तो मैं आपके साथ वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। दूसरी बात, जब आप मनी प्लांट में वाटरिंग करें तो बेहतर हुआ कि आप स्प्रे का इस्तेमाल करें। अभी मेरे पास स्प्रे नहीं है तो ये मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास स्प्रे है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और जब पानी दें तो ऊपर से पानी दें ताकि जो मॉस स्टिक या फिर आपने जो भी स्टिक यूज़ करी है, इसमें मैंने जूट की रस्सी का इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से जो भी है आपको जो ये रस्सी है उसमें नमी बनाए रखनी है ताकि जो जड़ें हैं उनको पानी मिलता रहे। गर्मियों में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर मनी प्लांट को नमी पसंद होती है,
तो आप ये कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसे शेयर भी करें। और अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। ये बात मुझे पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस के लिए आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को आप हमेशा पूरा देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।